Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, members. Analytical ka question hai. 7 buses. Bus A, B, C, D, E, F, and G depart at different times in the morning according to the following conditions. Bus A departs before bus C, bus D, and bus B. Both departs after bus C. Bus E departs third. Means jo E hai wo third pe jayega. E equal to 3 ho jayega. D and B both after bus C. Matlab D aur B jo hai wo after bus C jayenge. To C less than B and D. C pehle jayega. B and D uske baad jayenge. Theek ho gaya. Bus A departs before bus C. Means A जो है वो C से पहले जाएगा. A departs before bus C. ये हमारे पास statement से logic change हो चुकी है. Which of the following could be order in which 7 buses depart from first to last? First A bus and last A bus जो हमारे पास logics थी उसको चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में बारी बारी. तो फर्स्ट ऑप्शन है ए लेस देन सी होना चाहिए, ए पहले जाना चाहिए सी को बाद में. तो ये ठीक हो गया. सी लेस देन बी एंड डी, सी को पहले जाना चाहिए बी एंड डी से. तो यहाँ पे डी पहले जा चुका है सी से. तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है. ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं. ए लेस देन सी है और C less than B and D होना चाहिए. यहाँ पे C less than B and D है. तो हमारे पास option B right है. और E जो है वो 3 पे है. तो option B जो है वो हमारे पास right है. option C and D को देखने की ज़रूरत नहीं. Which could never be the last bus that departs? इनमें से कौन सी bus last में नहीं जा सकती? बस सी, बस डी, बस एफ, बस डी. आपने जल्दी से सेकंड लॉजिक देख लेनी है. सी लेस देन बी एंड डी मतलब सी के बाद बी एंड डी ने लाजमी जाना है. तो सी कभी भी लास्ट में नहीं जा सकती. ऑप्शन ए इसका राइट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द बसेस दैट कुड नॉट बी द फर्स्ट टू डिपार्ट्स. मतलब कंप्लीट लिस्ट जो पहले नहीं जा सकती बस. सबसे पहले बी देख लेते हैं. ऑप्शन ए का बी, बी फर्स्ट नहीं जा सकता. बी से पहले सी जाना लाजमी है. सी भी फर्स्ट नहीं जा सकता. सी से पहले ए जाना लाजमी है. डी नहीं जा सकता बिकॉज डी से पहले सी जाना चाहिए. ई 3 नंबर पे है. एफ जो है वो जा सकता है. देन हमारे पास बी सी डी सेम सिचुएशन लेकिन इसके साथ ई मेंशन नहीं है. ऑप्शन सी देख लेते हैं. ए जो है वो फर्स्ट पे जा सकती है बस. ऑप्शन डी देख लेते हैं. बी सी डी ई, ई 3 पे है. तो ये कंप्लीट लिस्ट है. ऑप्शन बी और डी ये दोनों नहीं जा सकती लेकिन जो ऑप्शन डी है वो कंप्लीट लिस्ट है. उन्होंने कंप्लीट लिस्ट का पूछा है. तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट है. इफ़ बस ए इज़ नॉट द फर्स्ट बस टू डिपार्ट विच स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स. अब इन स्टेटमेंट में कौन सी फॉल्स है? बी डिपार्ट लास्ट. ई को हम 3 पे रखते हैं. बी को अगर हमने 6 पे रखा तो बी से पहले डी, डी से पहले सी और 2 पे ए आ सकता है. तो ए लेस देन सी हो जाएगा और सी लेस देन बी एंड डी. तो ऑप्शन ट्रू हो जाएगी लेकिन ये ऑप्शन गलत है. स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑप्शन गलत है. सी डिपार्ट्स बिफोर ई. सी डिपार्ट्स बिफोर ई मतलब ई से पहले सी. अगर यहाँ पे हम सी रखें तो यहाँ पे हम ए नहीं रख सकते. 1 पे ए यहाँ पे आ जाएगा जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट के अगेंस्ट है ए लेस देन सी के. तो ये जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये इसका राइट आंसर है. बट ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. सी कभी भी
ई से पहले नहीं जा सकता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेंबर्स, यदि आज की वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।